अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। तो गाइस, हनी आ गए हैं ऑफिस से और मैं हो गई हूँ तैयार बाहर जाने के लिए, हनी को बाहर ले जाने के लिए। और देखो मेरे हाथ में अब कपड़े वगैरह, मैं काम करती ही दिखती रहूँगी आपको हमेशा। पूरे बेड का देखो क्या बना रखा है, एक प्रीक्षित ने, एक प्रीक्षित के पापा ने। मतलब प्रीक्षित तो चलो बच्चा है, लेकिन प्रीक्षित के पापा तो बच्चे नहीं है। ये देखो लंच बॉक्स, मतलब लंच बॉक्स किचन में भी नहीं रखे जाते, खाना भी यहीं खाना है, लंच बॉक्स भी यहीं रखने हैं। बंटी लगी रहे इन दोनों पापा बेटे के पीछे पीछे, एक प्रीक्षित है, दूसरा भी प्रीक्षित बन रहा है पीछे पीछे। और आज प्रीक्षित के पापा लाए प्रीक्षित के लिए एक नया टॉय, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा है। ये देखो प्रीक्षित ने इसकी टांग तोड़ दी। अब ये ना गुड़गांव में देखो 20 रुपए का मिलता है, पहले 5-10 रुपए में मिल जाता था आराम से। प्रीक्षित ने इसकी एक टांग तोड़ दी, नहीं तो ये भाग रहा था अच्छे से। अब बेचारा पीछे की तरफ जाता है। प्रीक्षित देखो रेडी हो रहा है, बिल्कुल अपने पापा को इम्प्रेस कर रहा है, जल्दी से ले चलो मुझे बाहर। प्रीक्षित, प्रीक्षित कहाँ जाना है बेटा आपको, बाहर जाओगे? तो गाइस लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा, हनी ने बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, ठीक है। और हनी ने बताया होगा कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। और पता है आज मैंने हनी को आते ही बोला, इधर आओ, मैंने आज आते ही हनी को बोला कि मैं ना बर्गर खा के आऊंगी। तो आप क्यों खाओगे भी? मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है। माइन ऑल्सो, कुछ अच्छा नहीं आपका, 5-5 दिन बुखार नहीं उतरता आपका इम्यून सिस्टम। वो किसी के भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुखार सिर्फ 1-2 दिन रहता है। और आप बोल रहे हैं आपको खाना है, खा लेना, मैं ना मैं भी बर्गर खा के आऊँगा, पर मैं खाने नहीं दूंगी गाइस। और ये मेरा बेटड़ा, आओ बेटड़ा इधर आओ, आओ बेटड़ा, देखिए स्माइल स्माइल, नींद में है अभी, अब नहीं करेगा वरना। नींद में नहीं है, फोन पे फोकस है। नहीं, इसको बस एक चीज़ लगी है फिलहाल कि मुझे ना बाहर ले चलो, कैसे भी बाहर जाके बड़ा ही मतलब क्रेजी हो जाता है। ओ मेरे चंकी शाल साहब, अब हम जाते हैं बाहर। हनी के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से बना रही हूँ लौकी, हनी के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से बना रही हूँ लौकी तोरी। मतलब मैं हनी को पूरा हेल्दी खाने को दे रही हूँ, ठीक है। और अब हम जाएंगे फिर से तोरी उठा के लेके आएंगे, और फिर मैं हनी को सुबह शाम मैं नहीं खाऊंगी तोरी, क्यों नहीं खाऊंगे। तो गाइस फटाफट से लाते हैं बाहर से सब्जी, और मुझे लगी है बहुत जोर से भूख, मेरे हो रहा है पेट में दर्द और चूहे भी कूद रहे हैं मेरे पेट में। वैसे तो मैंने अभी कीवी खा ली थी हनी की आधी, लेकिन बाहर कुछ तो खा के आऊँगी। कल मैंने एक बर्गर खाया था, मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो मैंने जब मुझे कोई चीज़ टेस्टी लग जाती है ना, तो जब तक मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ती, जब तक मेरा पूरा मन नहीं उब जाता उस चीज़ से, तो मैं फिर से जा रही हूँ, फिर से बर्गर खाने वाली हूँ। चलो हनी आ जाओ। देख परीक्षित की हरकतें देखो, छोड़ दे परीक्षित, छोड़ दे। गरम है बेटा, रेलिंग गरम है, गरम रेलिंग को नहीं पकड़ते। और प्रीक्षित को देखो यहाँ पे मच्छर ने काट लिया, कितने क्यूट बच्चे को मच्छर ने काटा ना, रात को सो रहा था, मच्छर ने काट लिया मेरे बेटे को, क्यूटी को मच्छर ने काट लिया। चलो प्रीक्षित बाहर चलो। तो गाइस अभी हम चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी हम बाहर से आ गए हैं घूम फिर के, प्रीक्षित सो गया था, अब आके उठ गया और रास्ते में सो गया था। देखो ऐसा लड़का ही है, बाहर निकलते इसको अच्छा घुमाने के लिए मैं लेके गया, बाहर जाते ही सो गया, बदमाश। और गाइस आज तो बुंडी बनेगी, बंटी बंटी में मेरे लिए क्या आश रहे हो, मेरे लिए तो आप पहले ही मना करके गए थे ना खाने दू, आपके वो ये मेरी आई लग गई। हाँ। गाइस बताओ बंटी के साथ क्या हो गया, आप सोच भी नहीं सकते वो हो गया। बंटी यहाँ से इतनी एक्साइटेड, मैं जब ऑफिस आया जब से लगी पड़ी थी, कल जो बर्गर खाया था वही बर्गर खा के आऊँगी, वही बर्गर खाऊंगी। माँ ठीक है भाई मैं भी खाऊंगा, नहीं खाना आपको तो खाना ही नहीं है, चलो भाई आप खा लेना,
आप खाओगे तो मैं ना खाऊंगा, चलो ठीक है आप खा लेना, मैंने इतनी कह दी। गए हम बाहर और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, घंटे को मुंह लटका के वापिस आना पड़ा। तो मैं बता नहीं सकता ब्लॉग में, कोई नहीं, पर इतना तो कन्फर्म है, इतना श्योर है, बंटी वो बर्गर आज नहीं खा पाई और फिर करेले लेके वापस आ गए, कड़वाहट लेके, क्योंकि बंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा मैं खा तो लेती लेकिन मैं ना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे ना 20 रुपए का गली वाला बर्गर खाते शर्म आती है। देखो एक बात याद रखना, किसी बड़े बूढ़े ने कोई अच्छी बात कही है, कोई क्या खाने मतलब एक, में शर्म नहीं, नहीं नहीं नहीं, खाने में शर्म तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन मन भाया जग भाया, ठीक है। अगर आप 20 रुपए का बर्गर, आपका मन अगर कर रहा है कि मैं खाना है मेरे को, तो आपको खाना चाहिए, चाहे वहीं आपका कोई रिश्तेदार खड़ा हो, चाहे आपका कोई ऑफिस का खड़ा हो, चाहे कोई आपका रिलेटिव खड़ा हो, कहीं नॉन खड़ा हो, कोई भी हो, आपको खा लेना चाहिए। अरे जब इमेज है, जब आपको पता है वो बुरी चीज़ है, इसका मतलब तो फिर आप किसी के सामने नहीं खा सकते, क्यों खाते हो फिर उसको? धुतकारो फिर मैगडी का खाओ, अच्छी लगी क्यों परीक्षित? टेस्ट नहीं आता ना कभी कभी, मैगडी का खाओ, बर्गर किंग का खाओ, बर्गर हट का खाओ। मैंने देखो अपने हाथ से परीक्षित के लिए ये बनाया, देखो ये एक अच्छी चीज हो गई। बंटी जो बर्गर नहीं खा पाई तो गुस्से में चलती गई और ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ परीक्षित का ये वाला भी मिल गया और परीक्षित की तागड़ी भी मिल गई, जो कि कई दिन से पेंडिंग थी। अब रह गया परीक्षित का दो इम्पोर्टेंट काम, वो हम कल करेंगे। वो मैं आपको कल बताऊंगा, मैं आपको क्यों बताऊं। और जैसे ही बंटी को लगा है कि मेरे जो पति देव हैं वो थोड़े से ठीक हो गए, लगा दिया काम पे, पता था सब्जी की कहोगे तो खुद बनानी पड़ेगी, वो बड़ी कड़ी खानी है। नहीं पता है, मैंने आपसे ही बोला था चाहे तो सब्जी आप ले लो, ठीक है मैं बना। तो फिर मैंने करेले इसीलिए बताए थे कि मेरे को लगा अभी बन जाएंगे। नहीं, करेले धूप में सुखाने होते तो कड़वे नहीं बनेंगे। तो फिर ये बात आपने बताई नहीं, इसे बताना क्या, कॉमन सेंस। ठीक है कॉमन सेंस, तो अब कढ़ी बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे कढ़ी। परीक्षित परीक्षित ओ कढ़ी खाएगा? परीक्षित डैडा बोल रहे बेटा, कढ़ी खाएगा? खाएगा कढ़ी, क्या खाएगा? पहले ये बता सो क्यों गया था तू बाहर है बदमाश? यहाँ तो तू तुड़ाई ये कर रहा था, बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा, बाहर जाते ही सो गया है, ये क्या था? कौन करता है ऐसे? अले वाला बच्चा क्यूटी क्यूटी। परीक्षित है सुन भाई, कल अगर बाहर लेके जाऊंगा तो फिर सोना नहीं है, ठीक है? अगर सोएगा नहीं तो ही बाहर लेके जाऊंगा कल। इधर देख, पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुन ले, अगर कल सोया तो कल बाहर नहीं लेके जाऊंगा। नहीं सोएगा ना, गाड़ी देखेगा, बाइक देखेगा, बुर बुर करेगा, तो ही लेके जाऊंगा, ठीक है? हो गया? अरे यार कितनी बार इसको बना, देखो मैंने इतनी देर से परीक्षित को घुमा रहा हूँ कि बंटी ये बांध दे धागा। बंटी से कहाँ जाएगा अब जब बाहर से आ गए तब तू फुर्ती दिखा रहा है, हैं? हाय पापा जी को बोलो फिर से बाहर लेके चले, फिर बर्गर खा के। हाँ आ जाओ खा लो आप तो। अब तो मिलेगी रोटी, वो भी कढ़ी के साथ, देसी खाना देसी वाना, ये मेरा हरियाणा स्माइल। क्यों परीक्षित? पापड़ी को बोलो बाहर से ले। नो परीक्षित, आप ऑफिस से आए तो देखो कैसे ताबड़ ताबड़ तोड़। परीक्षित न बुरा देखना न बुरा सुनना न बुरा खाना, ठीक है? हम पापा बेटा गंदी चीजें नहीं खाते, ऑयली तली हुई स्पाइसी स्ट्रीट फूड एंड हाइजीन, अब क्या बोलते हैं जंक फूड, अफवाह मत फैलाया। अरे तो मैं मतलब तब तक खा नहीं रहा, तब तक मेरे अंदर से ये विचार निकल रहे हैं, जिस दिन खा लूंगा उस दिन तो यूं कहूंगा ओह बर्गर तो 20 वाला ही है ना परीक्षित? है मस्ती कर मचती कर रहे हैं।
मस्ती करना है। यस हेलो हाउ आर यू। तो गाइस कड़ी बना ली है और हनी बाहर ही है अभी। परीक्षित मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये देखो ये परीक्षित है, देखो रो रहा है। इसने आजकल एक नया तरीका ढूंढा है अपना, ठीक है, कि मैं रो दूंगा तो मेरे को मम्मा गोदी ले लेगी, ठीक है, नहीं रोऊंगा तो आराम से मुझे बैठक पटक देगी। अब इसको फुल पेट भरा, अभी जस्ट इसको फीड करवाया है, लेकिन ये रोने लग रहा है, क्यों ये देखो। देखो दिखाओ ना, अब रो के दिखाओ, सबको पता चले, सबको पता चलना चाहिए ना आप कितने शरारती हो, क्यों अब एक्टिंग क्यों मार रहे हो, रो के दिखाओ जोर जोर से, जैसे रोते हो ना कि मम्मा गोदी ले लो तब रोते हो, ऐसे दिखाओ रो के। अब देखो अब कैमरा हटा लूंगी ना, अब इसको पता नहीं है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, अब चिंगाड़ेगा अच्छे से। नहीं, ये तो गाइस ऐसी हरकतें करने लग गया है, मेरा तो मन करता है इसको पीटूं, अच्छे से पीटूं, इसको लाल कर दूं। दिन सुबह तो मैंने अच्छा सा रोने दिया, जम के मैंने कहा रो ले बेटा रो ले, फालतू के ड्रामे इतना करता है कि बस दूध पिला दो इसको फिर भी रो रहा है गोदी लेने के लिए, बदमाश कहीं का। तो गाइस 9 बजे और हमारा डिनर तैयार हो गया है। इधर देखो बंटी खाना भी स्टार्ट कर दिया, और बंटी ऐसे खाती है, ये परीक्षित है, ये ऐसे खिलाता है अपनी मम्मा को खाने के टाइम। तो एक तो पक्का तांडव करेगा ये लड़का, नहीं तो खेलता रहता है। परीक्षित जाओ बेड पे, बेड पे लेट जाओ, लेटी लेटी कर रहा हूँ। कौन सी घड़ी की औलाद हुई है पता नहीं, खाना भी ढंग से नहीं खा देती। क्या बोल रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड माँ जो परेशान हो हुई माँ, बोल जान बूझ के करता है, इसको थोड़े पता है, इसको सब पता है। ए परीक्षित आपको कुछ पता है, ब्लॉग बना लो कुछ नहीं बोलेगा, कितना बना लो इसकी वीडियो से कितनी बना लो कुछ नहीं बोलेगा। लिटाओ, लिटाने के बाद भी नहीं रोएगा, दिखाओ मेरा हाथ खराब है, फिर मेरे से लिया नहीं जाएगा। ओके चलो गाइस खाना खा लेते हैं और आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, टेक केयर, गुड नाइट।